का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से, शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, बोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो, तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती है, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूँ आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी बस दो चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तो मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना, जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो कुआरी लगाए सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में विभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे।